वेलकम बैक दोस्तों, मैं अंकित विश्वकर्मा एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीवी ऑनलाइन स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि यहां पे हम लोग यूथ पब्लिकेशन 2024 का दोस्तों जो ये बुक है, इसी बुक का हम लोग संपूर्ण अध्ययन कर रहे हैं। दोस्तों इस बुक में आज जो हम लोग नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों, एवरेज यानी कि औसत चैप्टर पढ़ेंगे। औसत का दोस्तों आज हम लोग पार्ट वन पढ़ेंगे और इस पार्ट वन में टोटल दोस्तों हम लोग 1 नंबर से लेकर के 30 नंबर तक के क्वेश्चनों को बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से हल करना एवं पढ़ना सीखेंगे। तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो का कोई भी पार्ट थोड़ा सा भी पसंद आया तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। साथ में दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जोर दबा लीजिएगा। और दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इन सबका लिंक दोस्तों आपको हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। ग्रुप में जुड़ने से दोस्तों आपको ढेरों प्रकार के बेनिफिट मिलेंगे, जैसे कि दोस्तों आपको हर रोज का करंट अफेयर मिलता रहेगा। साथ में दोस्तों आपको ये डेली क्लास नोट्स का हल सहित पीडीएफ मिलता रहेगा। इसके अलावा दोस्तों आपका किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी डाउट या डाउट बच रहा हो तो आप हमें हमारे ग्रुप में भेज करके उसका सोल्यूशन भी प्राप्त कर सकते हैं। साथ में दोस्तों आपको किसी भी प्रकाशन की कोई बुक वगैरह चाहिए तो उन सभी प्रकार की बुकों को भी फ्री ऑफ कॉस्ट हमसे प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सारे बेनिफिट हैं दोस्तों आपको हमारे ग्रुप में जुड़ने से। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप लोग हमारे ग्रुप से जुड़िएगा। इन सबका लिंक दोस्तों आपको हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। ग्रुप में जुड़ने से आपको ढेरों प्रकार के बेनिफिट मिलेंगे और इन सारे बेनिफिटों का आप जल्दी से जल्दी लाभ जरूर उठाइएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना एवरेज यानी कि औसत का पार्ट नंबर वन का पहला क्वेश्चन देखते हैं। और दोस्तों आपको बता दूं कि ये वीडियो और इसलिए हमारी रेलवे भर्ती से रिलेटेड सभी प्रकार के एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण एवं रामबाण सिद्ध होगी, क्योंकि दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ पे सारे वही सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं जो रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा पिछले कुछ वर्षों में जो भी एग्जाम करवाए गए हैं उन्हीं सारे एग्जाम में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को दोस्तों यहाँ पे हम लोग चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों रेलवे भर्ती से रिलेटेड सभी एग्जामों में आने वाले जो भी क्वेश्चन होंगे उन सारे क्वेश्चनों के अध्ययन के लिए आप लोग हमारे इस वीडियो सीरीज से जरूर जुड़िएगा। तो चलिए दोस्तों देख लीजिएगा आज का अपना पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा हमारा ये रहा। दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे आज हम लोग नया चैप्टर पढ़ रहे हैं एवरेज यानी कि औसत। दोस्तों औसत का यहाँ पे टाइप वन का हम लोग पहला क्वेश्चन देखेंगे। और पहला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा जो पूछा गया है कि रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा एनटीपीसी के स्टेज सेकंड में दोस्तों 16/6/2022 को शिफ्ट सेकंड में पूछा गया है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन होगा। तो ये देखिए अभी हाल ही में पूछा गया है। अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे दिया ये गया है, इसमें कहा गया कि 7 क्रमागत संख्याओं का एक अनुक्रम पर विचार कीजिए, यदि पहली 5 संख्याओं का औसत है तो अंतिम 3 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। देख लीजिए अगर 7 क्रमागत संख्याओं का एक अनुक्रम पर विचार कीजिए, 7 क्रमागत संख्या यहाँ पे हम लिखेंगे संख्या बराबर आगे लिखेंगे तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये 7 क्रमागत संख्या हमने लिख दिया। फार्मूला क्या होता है औसत की, जे पे हम औसत का मान क्या बता दिया, जेड है तो हमने जेड रख दिया। और पहली 5 संख्याओं का तो हम योग कर देंगे 1, 2, 3, 4 और यहाँ पे 5। तो एवरेज बराबर अंतिम की 3 संख्या दोस्तों क्या है, 5, 6, 7 है। तो यहाँ पे 5 + 6 + 7 बटे हमारा क्या हो जाएगा, 3। अब दोस्तों इनको सबको ऐड करेंगे, जब इन सबको ऐड करेंगे देख लीजिएगा यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6, 5, 11, 11, 7, 18 यानी कि 18/3 आ जाएगा। 3 से इसको कट कर देंगे तो आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो अंतिम 3 संख्याओं का एवरेज आ सकते हैं। देखिए यहाँ पे अगर इसकी जगह पे हम ऐसा भी रख दें, हमको 6 बनाना है क्योंकि जेड का मान हमारा 3 आया है, हमने हम अगर इस जगह पे जेड की जगह पे 3 रख देंगे और 3 या और अपने आप से प्लस करके जोड़ दिया तो 3, 3, 6 ही तो हो जाएगा। तो चाहे आप इस प्रकार से लिख दीजिएगा, चाहे तो आप इस प्रकार से कि 11 के प्रथम 12 गुणजों का औसत होगा। अब देखिए 11 के प्रथम 12 गुणजों का औसत निकालना है तो पहले हम एक सीरीज लिखेंगे। देखिए 11 लिख देंगे, 11 के बाद 22 लिख देंगे, फिर 33 लिख देंगे, ऐसे डाट डाट करके 12 × 11 का लिखेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 132 आ जाएगा। कैसे 132 आया, 12 × 11 करेंगे तो ये 132 आ जाएगा। 11 के प्रथम 12 गुणज का योग अगर हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा भाई हमारा, यहाँ पे योग के लिए हमारा फार्मूला होता है यानी कि L बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यानी कि योग के लिए ये तो हमारा उसके लिए हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो हम फार्मूला लगाएंगे दोस्तों, यहाँ पे क्या लगाएंगे यानी कि एस एन बराबर, देखिए एस एन बराबर
यहाँ पे देखिए सब कुछ हमको पता है, हम फार्मूला है यानी योग लगा रहे हैं एस एन बराबर एन बाई टू ब्रैकेट में टू ए प्लस का एन माइनस वन इंटू डी, टू ए प्लस का एन माइनस वन इंटू डी। इस फार्मूले पे जब आप इस वैल्यू को रखेंगे, एन का मान देखिए 12 गुणा 6 तो एन का मान हो जाएगा 12 बटे 2, 2a, a का मान 11 दिया गया है, n का मान 12 माइनस 1 और d का मान देखिए 22 और 11 का अंतर देखेंगे तो हमारा 11 ही तो आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से ये आ जाएगा 6, तो यहाँ पे हमने क्या रख दिया दोस्तों, 6 रख दिया, 11 दूना हो जाएगा 22 माइनस का 12 से 1 घटा देंगे 11, 11 ग्राम 121 आ जाएगा। अब देखिए 121 से जब हम 22 घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 121 से जब आप दोस्तों यहाँ पे क्या घटाएंगे, 121 से देखिए 12 से 1 घटाएंगे तो यहाँ पे देखिए ये प्लस लगा तो आप प्लस लगा देंगे, हाँ 12 से 1 घटा देंगे 11 आ जाएगा, 11 ग्राम 121 ये हमारा ऐड हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए अब एस एन बराबर कितना आ जाएगा, यानी कि 121 में 2 जोड़ेंगे तो 133, 133, 33, 43 यानी कि आ गया 143 मल्टीप्लाई 6 और कर देंगे तो 6 3 18 कैरी हो जाएगा, 1 6 4 24 1 25, 25 की 5 कैरी हो जाएगा, 2 6 6 2 8 हो जाएगा, यानी कि योग आ गया हमारा 858 आ गया। हमको एवरेज निकालना है, देख लीजिएगा कितने है? प्रथम 12 पदों का योग, 11 के प्रथम 12 गुणजों का योग निकालना है तो एवरेज बराबर यहाँ पे हम रख देंगे कितना, ये 858 बटे कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या कितनी हो जाएगी 12। अब यहाँ से हम 12 का जब इसमें भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 12 7 84 हो गया 1 85 तो हो गया 18, 12 51 12 हो गया 6, जब 6 आ गया 12 6 18 देखिए 6 आ गया दशमलव लगा दिया तो 60 हो गया, 12 5 60 हो जाएगा, 71 दोस्तों हो जाएगा हमारा 5 कितना हो जाएगा एवरेज, यानी कि 71 हो जाएगा कितना 5 हो जाएगा, 71 हमारा हो गया 5, बस यही हमारा दोस्तों इस क्वेश्चन का एवरेज आ जाएगा। दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया सी ऑप्शन पे, तो विकल्प देखेंगे तो आप दूसरे का हमारा सी के साथ एक क्वेश्चन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा और दूसरे के बाद हम लोग तीसरा नंबर देखेंगे और तीसरे नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, इस पे कहा गया है यदि 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 10 है तो इन 5 संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर मध्य स्थान पर स्थित संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, अब पहले बात समझिएगा, यहाँ पे कहा है यदि 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 10 है तो इन 5 संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर मध्य स्थान पर स्थित संख्या क्या होगी। तो 5 क्रमागत सम संख्याओं को औसत 10 है तो 5 क्रमागत सम संख्याएं अगर हम लिख लें, देख लीजिएगा अगर हम 5 क्रमागत सम संख्याएं लिखते हैं तो देखिए औसत 10 है बताया गया तो 5 देखिए मैं आपको बता दूं, देखिए 5 क्रमागत सम संख्याएं होंगी, कौन संख्याएं, एक संख्या ये होगी, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी संख्या, पांचवी संख्या। अब ये संख्या बस इतना आप ध्यान दीजिएगा, 5 क्रमागत सम संख्या का औसत 10 है तो औसत का मतलब होता है उनका मध्य का मान हमको पता है कितना 10, तो देख लीजिएगा हमने 10 रख दिया, ठीक है ना। औसत का मतलब होता है बीचों बीच वाला मान, देखिए ये वाला बीचों बीच वाला मान हमारा 10 है तो करा इन 5 संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर मध्य स्थान पर स्थित संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए 10 के आगे सम संख्या देखेंगे तो 12 आ जाएगा, 12 के आगे देखेंगे तो 14 आ जाएगा, 10 के पहले देखेंगे तो 8 आया होगा, 8 के पहले देखेंगे दोस्तों तो 6 आया होगा। अब कह रहा है इनको आरोही क्रम में, तो आरोही क्रम में दोस्तों देख लीजिए ऑलरेडी रखे हुए हैं, आरोही का मतलब होता है दोस्तों छोटे से बड़े की ओर, देख लीजिएगा छोटे से बड़े की ओर पहले से ही रखे हैं, व्यवस्थित करने पर क्रम मध्य स्थान पर स्थित संख्या है तो मध्य स्थान पर कौन सी संख्या स्थित है दोस्तों, 10 ही तो स्थित है तो 10 हमारा दिया गया डी ऑप्शन पे, तो 3 का दोस्तों हमारा विकल्प नंबर डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। तो होप सो दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अगला देख लेते हैं 3 के बाद हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन, और चौथे नंबर क्वेश्चन पे हमारा देख लीजिएगा दिया ये गया है, कहा गया है कि 7 संख्याओं का औसत 53 दिया गया था, बाद में यह पाया गया कि एक संख्या को गलती से 58 के बजाय 16 के रूप में पढ़ा गया तो इन दी गई 7 संख्याओं का सही औसत ज्ञात कीजिए। देख लीजिएगा
बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, इसको आप मुझवानी ऐसे सॉल्व कर सकते हैं बिना पेन और कॉपी के। देखिए ये भी हमारा ग्रुप डी 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि अच्छा क्वेश्चन है, लेटेस्ट का क्वेश्चन है। सात संख्याओं का औसत बताया गया, देखिए सात संख्याओं का हमको क्या पता है, औसत पता है। सात संख्याओं का औसत कितना पता है दोस्तों, 53 पता है। सात संख्याओं का औसत 53 दिया गया था। बाद में यह पाया गया कि एक संख्या को गलती से 58 के बजाय 16 के रूप में पढ़ा गया। अब देख लीजिएगा, बाद में यह बताया गया कि इन सात संख्याओं का जो एवरेज अभी आया है वो 53 है। बाद में हमने एक संख्या 58 थी, हमने उसको 58 ना पढ़ के उसको गलती से क्या पढ़ लिया है, 16 पढ़ लिया है। यानी कितना हम कम पढ़े हैं, कितना कम पढ़े हैं, तो 58 से 16 को घटा देंगे, 8 से 1 घटाएंगे, 8 से 6 घटाएंगे तो हमारा 2 आ जाएगा। 8 से 6 घटाने पे 2 आ गया, इधर 5 से 1 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा। यानी कि हमने देख लीजिएगा 42 कम कम आता है, यानी कि 42 हमने कम पढ़ा था ना, जब 42 कम पढ़ा है तो ये 42, इस 42 को हम सात संख्याएं, सात संख्याएं हैं, इस 42 को हम सात संख्याओं में बराबर बराबर बांट देंगे। तो देखिए ये जो 42 हमारा आया है, इस 42 को हम इन सात संख्याओं में बराबर बराबर हिस्सा बांट देंगे तो कितना आ जाएगा, 6-6 रुपया आएगा। मान लीजिएगा हमने 42 रुपया कम आता था, तो यानी कि जब 42 रुपया कम हमने सोचा था, तो यानी कि अब सात आदमियों में 42 रुपया को बराबर बराबर बांटिएगा तो 6-6 रुपया आएगा ना, एक एक आदमी को, एक एक आदमी को 6-6 रुपया आया। तो ये जो 6 रुपया आया, इस 6 रुपया को हम इस 53 में और ऐड कर देंगे। जब एक आदमी का ना सात संख्याओं का औसत 53 है, जब सात संख्याओं का मतलब सात संख्याओं का औसत 53 है, तो जब और ये औसत हमारा सबका, ये देखिए ये बाकी की सात संख्याओं का एवरेज यहाँ से 6 निकल करके आ जाएगा, तो इस 6 को यहाँ पे हम और ऐड कर देंगे। जब इस 6 को यहाँ पे हम और ऐड करेंगे, देखिए कितना आ जाएगा, 53 59 आ जाएगा। अब यानी कि नया सात संख्याओं का सही औसत क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख दीजिएगा सात संख्याओं का सही औसत, यहाँ पे हम लिखेंगे सात संख्याओं का सही औसत, सही औसत। देखिए सात संख्याओं का सही औसत कितना आ जाएगा हमारा, 59 आ जाएगा। 59 दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया सी ऑप्शन पे, तो विकल्प नंबर देखेंगे तो 4 का हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 4 का दोस्तों कौन सा हो जाएगा हमारा, सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 4 का हमारा विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, 4 के बाद हम लोग 5वां देखेंगे, और 5वें नंबर क्वेश्चन पे हमारा दिया गया, कहा गया कि तीन क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत जो आरोही क्रम में है, तीन क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत जो आरोही क्रम में है तो वो क्या है, के है। यानी संख्याओं को पहले समूह के तुरंत बाद की दो संख्याओं और क्रमागत संख्याओं को इसमें शामिल कर लिया जाए तो प्राप्त होने वाला नया औसत ज्ञात कीजिए। अब देख लीजिएगा, सबसे पहले इसने क्वेश्चन में ये कहा है कि यहाँ पे कहा है तीन क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत का, तीन क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज कितना बता रखा है, के है। मानेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे तीन क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का, प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है, के है। तो देख लीजिएगा यहाँ पे तीन क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं, तीन आगे लिख दीजिएगा क्रमागत, तीन क्रमागत प्राकृतिक प्राकृत संख्याएं, तीन क्रमागत प्राकृत संख्याएं आगे लिख दीजिएगा। तो तीन क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा, दो आ जाएगा, तीन आ जाएगा। ये हमारी तीन क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं आ गया। अब इनका हम क्या निकालें, एवरेज। देख लीजिएगा एवरेज बराबर यहाँ पे हम लिखेंगे एवरेज बराबर 1 + 2 + 3 बटे हमारा आ जाएगा यहाँ पे 3। तो एवरेज इनका क्या बताया है, तीन प्राकृतिक संख्याओं का औसत, यानी कि क्या बताया है, इस जगह पे के बता दिया है। तो यहाँ पे 3 × 2 = 5 = 6 / 3 आ जाएगा, 3 × 2 = 6, यानी कि फाइनली जो आ जाएगा के बराबर जो हमारा आया 2 आ गया। क्या आ गया भाई दोस्तों, के बराबर हमारा 2 आ गया। देखिए बराबर 2 निकाल लिया। अब यहाँ पे अब आगे क्या करेंगे, यदि कह रहा है यदि संख्याओं के पहले समूह के तुरंत बाद की दो और क्रमागत संख्याओं को इसमें शामिल कर लिया जाए तो प्राप्त होने वाला नया औसत ज्ञात कीजिए।
तो देख लीजिएगा, जब इसमें हम क्या करेंगे, दो नई संख्याओं को मतलब क्रमागत संख्याओं में दो नई संख्याओं को शामिल करने पर, यहां पे लिख दीजिएगा, हम यहां पे लिखे दे रहे हैं क्रमागत संख्या में दो नई, क्रमागत संख्या में दो नई संख्याओं को शामिल करने पर, दो नई संख्याओं को आगे लिख दीजिएगा, शामिल करने पर, ठीक है भाई। आगे यहां आपको बताएगा क्रमागत संख्याओं को शामिल करने पर क्या जाएगा, 1, 2, 3 और यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5। अब यहां शामिल करने पर नया औसत ज्ञात कीजिए। देखिए यहां से फिर हम निकालेंगे एवरेज बराबर 1 + 2 + 3 + 4 + 5 बटे हमारा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब देखिए 5 4 9, 9 1 10, 10 5 15, 15 बटे हमारा 5, तो 5 नहीं 15, 3 आ जाएगा, यानी कि एवरेज बराबर हमारा आ गया कितना दोस्तों, एवरेज बराबर 3 आ गया। अब दोस्तों देख लीजिएगा, जब यहां से हमारा एवरेज बराबर हमारा कितना आ गया, 3 आ गया, तो यहां से अब 3 को कैसे आप लिख सकते हैं, 3 अगर आप कैसे लिखेंगे, आपको इसका क्या करना है, आंसर मैच कराना है। तो आंसर मैच जब इसका आएंगे, देख लीजिएगा, 2 + 1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं दोस्तों, देख लीजिएगा 2 1 3 ही तो हो जाएगा। अब देख लीजिएगा इस 2 का मान हम पहले से कितना निकाल चुके हैं, के, देखिए ये 2 बराबर क्या दिया है, के 5 का। दोस्तों अगर आप देखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 5 का हमारा विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 5 के बाद दोस्तों हम लोग देखेंगे 6ठा नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे कहा है कि पहली 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का माध्य ज्ञात कीजिए। तो देख लीजिएगा, पहली 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का माध्य हमको निकालना है, तो इसका एक फार्मूला होता है। अगर आप इन फार्मूले पे यूज ना करना चाहें तो आपकी फार्मूला होता है, हम लिख देते हैं, प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं फार्मूला, देख लीजिएगा, प्रथम एन प्राकृतिक संख्या, एन प्राकृत संख्या, प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं, प्रथम एन प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग, प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, वर्गों का योग, देख लीजिएगा, वर्गों का योग अगर आप यहाँ पे देखें, वर्गों का योग अगर देखेंगे तो फार्मूला होता है हमारा एन 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 वन टू एन प्लस वन बाई सिक्स, देख लीजिएगा, एन एन प्लस वन और दूसरे विकल्प में 2n+1 और यहाँ पे बटे का 6, ये फार्मूला होता है दोस्तों। देख लीजिए, जब ये पूछा गया है, पहली 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का माध्य पूछा गया है, तो देखिए 10 पूछा गया तो n का मान 10 हो जाएगा, फिर 10 + 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2 + 10 + 1 हो जाएगा, अपान का कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब दोस्तों क्या करेंगे, देख लीजिएगा, इसको जब हल करेंगे, 10 1 11, 11 दहम 110 हो जाएगा, प्लस का यहाँ प्लस नहीं होगा दोस्तों, मल्टीप्लाई होगा, देख लीजिए इसके पे क्या होगा हमारा मल्टीप्लाई। और आगे वाले जब कुछ इसको हल करेंगे तो 10 2 20 1 21, देख लीजिएगा यहाँ पे 21 और पूरे का बटे आ जाएगा 6। देखिए 3 से हमारा कट जाएगा, 3 2 6 और 3 7 21, 2 से हमारा कट जाएगा 55 बार में। अब देखिए 55 के इसमें जब 7 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 5 35 की हो जाएगा, 5 कैरी हो जाएगा, 3 7 5 35, 3 हो जाएगा हमारा 38 हो जाएगा, देख लीजिएगा कितना हो गया, 385 हो गया, कितना हो गया हमारा, 385 हो गया। अब ये 385 तो आ गया प्रथम 10 संख्याओं का योग आ गया है ना, ये क्या निकल के आया है, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग आया है। यहाँ पे हम लिख देंगे 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग, 10 यहाँ पे प्राकृतिक संख्या का क्या आया है, योग आया है। तो अब दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहां से अब हम निकालेंगे क्या, एवरेज निकालेंगे। जब एवरेज बराबर निकालेंगे दोस्तों देख लीजिएगा, तो ये 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग बटे टोटल 10, तो देख लीजिएगा कितना आ जाएगा, जब इतना आ जाएगा हमारा 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग हमारा 385 आ गया है। यहां से अब आप क्या करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा
तो माध्य निकालने के लिए दोस्तों देख लीजिए क्या होता है, अब वही काम करेंगे, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या अर्थात वही हमको क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। तो देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे मानिएगा 5 3 8 1 9, 9 1 10 6 16, 16 4 20, अब 20 5 25 और 25 के बाद देखेंगे दोस्तों 25 1 26 10 36, 36 3 हमारा हो जाएगा 39 10 49, 49 1 हो जाएगा 50 4 54, 54 10 64, 64 10 84, 84 में 7 जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 81, 81 में 19 जोड़ देंगे दोस्तों तो हो जाएगा हमारा 100, 100 बटे 10, देखिए 0 0 कट जाएगा तो एवरेज कितना आ जाएगा हमारा 10 आ गया, आ गया यानी कि माध्य कितना आ गया 10, 10 देख लीजिए दिया गया है के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 7 के पहली 8 भाज्य प्राकृतिक संख्या माध्य और 8 अभाज्य देख लीजिएगा, पहली 8 भाज्य प्राकृतिक संख्याओं का माध्य लिख देंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, हम यहाँ पे लिखेंगे पहली, हमने देख लीजिए यहाँ पे दिया पहली 8, पहली 8 भाज्य, देखिए पहली 8 भाज्य संख्याओं का माध्य, यहाँ पे क्या लिखेंगे संख्याओं का, आगे लिखेंगे संख्याओं का माध्य, तो पहली 8 भाज्य संख्याओं का पहली 8 भाज्य संख्याओं का माध्य निकालेंगे, पहली 8 भाज्य, पहली 8 भाज्य प्राकृतिक कहा है ठीक है ना, पहली 8 भाज्य प्राकृतिक संख्याओं का माध्य लिखेंगे। देख लीजिएगा भाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, अगर आप भाज्य संख्या देखेंगे तो पहली 8 भाज्य प्राकृतिक संख्या अगर हम लिखते हैं तो देख लीजिएगा, एक तो हो जाएगा हमारा 4, 4 के बाद हमारा क्या हो जाएगा 3 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 5 के बाद आ जाएगा हमारा 6, 6 के बाद आ जाएगा हमारा 8, 8 के बाद आ जाएगा हमारा 9, 9 के बाद हमारा देख लीजिएगा आ जाएगा 10, 4, 6, 8, 9 और इसके बाद आ जाएगा 10, 10 के बाद हो जाएगा 12, 12 कितने हो गए देखिए 3, 3, 6, 12 के बाद आ जाएगा हमारा 14, 14 के बाद आ जाएगा हमारा 15, ये हमारी प्रथम 8 भाज्य संख्याएं हो गई। अब क्या करेंगे इनका बटे क्या कर देंगे, कितनी है यहाँ पे 8 है तो बटे 8 कर दिया, देखिए 6 4 10 8 18, 18 2 20 7 27 10 37, 37 38 39 10 49, 49 1 50, 50 3 53, 53 10 63, 65 68 10 78, देख लीजिए कितना आ जाएगा हमारा 78 बटे हमारा 8 आ जाएगा। देखिए 4 से अगर इसको आप कट करेंगे तो 4 2 8 और 4 1 9 4, 4 9 36, देखिए 4 से तो नहीं कट होगा, इसको ऐसा करते हैं अभी आप इतना ही रहने दीजिएगा 78 बटे 8 ही रहने दीजिएगा ठीक है, कि अभी हमारा इतना ही रहेगा। मान लीजिएगा प्रथम हमने क्या निकाला, प्रथम 8 भाज्य प्राकृतिक संख्याओं का माध्य निकाल लिया, अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, अब आगे कहा है प्रथम 8 पहली 8 अभाज्य संख्याओं का माध्य, अब यहां से हम एक दूसरा कॉलम लिखेंगे प्रथम 8 अभाज्य, पहले वहां पे तो भाज्य था, प्रथम 8 अभाज्य प्राकृतिक, यहाँ पे प्राकृत संख्याओं का माध्य, संख्याओं का आगे लिख दीजिएगा माध्य बराबर, तो जब इनका माध्य निकालेंगे जो अभाज्य संख्याएं हैं दोस्तों देख लीजिएगा अभाज्य में हमारा कौन कौन जाएगा, एक तो हमारा 2 आ जाएगा, 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद हमारा 7 आएगा, 7 के बाद हमारा और देख लीजिए क्या आएगा, 7 के बाद सीधा 9 10 11 आ जाएगा, हाँ 11 आ जाएगा, 11 के बाद हमारा 13 आ जाएगा, 13 के बाद हमारा 17 आ जाएगा, 17 के बाद दोस्तों देख लीजिएगा हमारा 19 आ जाएगा। देख लीजिएगा 8 संख्याएं हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 संख्याएं हो गई है भाई, तो अब क्या करेंगे इनका योग करके बटे कितना कर देंगे 8 कर देंगे। अब देख लीजिएगा जोड़िए यहाँ पे 5 3 8 2 10 10 7 17 17 1 18 10 28 28 3 31 31 10 41 31 10 41, 41 में 7 जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा 41 में 7 जोड़ देंगे तो 41 में 7 जोड़ देंगे तो 48, 48 में 10 और जोड़ देंगे तो 48 10 हमारा 58, 58 59 60, 60 60 67 67 67 10 77, तो कितना आ गया यहाँ पे हमारा 77 बटे 8 आ गया। तो यहां से दोस्तों देख लीजिए हमने क्या निकाल लिया 77 बटे 8 निकाल लिया है, 77 बटे 8 हो गया। तो अब दोस्तों देख लीजिएगा अब यहाँ पे कह रहा अंतर ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अंतर बराबर,
अंतर लिखेंगे तो ये आ जाएगा 78/8 माइनस का 77/8 हो जाएगा। 78 से 77 घटा देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई हमारा, 1/8 आ जाएगा। तो ये जो 1/8 हमारा दिया गया है, ये हमारा देख लीजिए क्या दिया गया है, यहां से अगर देखा जाए 1/8 तो ये देख लीजिएगा दिया गया है डी ऑप्शन पे। तो 8 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, 8 के बाद हम लोग देखेंगे 9वां नंबर क्वेश्चन, और 9वें नंबर क्वेश्चन पे देख लीजिएगा दिया गया, कहा गया यदि 5 प्रेक्षणों एक्स एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री और एक्स माइनस फोर का माध्य 20 है तो पहले दो प्रेक्षणों का माध्य ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे 5 प्रेक्षणों ये 5 प्रेक्षण का माध्य 20 है, देख लीजिएगा माध्य बराबर निकालेंगे तो 20 और ये सारे इनको हम जोड़ देंगे एक्स एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस फोर, इनको जोड़ करके बटे कितना हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा। तो पहले दो प्रेक्षणों का माध्य ज्ञात कीजिए, तो 20 पंचे कितना हो जाएगा 100। देखिए 1 2 3 4 5 यहां से फाइनली जो हमारा आ जाएगा ये आ जाएगा 5x आ जाएगा, और इनको देखिए जोड़ेंगे तो 4 3 7 1 2 3 4 5 तो हाँ 4 3 7 7 2 9 9 1 10 माइनस का हो गया 10 और 20 पंचे हो जाएगा 100। तो देखिए यहाँ से 5x बराबर आ जाएगा हमारा इधर 110, तो x बराबर 5 2 10 5 2 10 यानी कि x बराबर आ जाएगा हमारा 22 आ जाएगा। अब दोस्तों देख लीजिएगा जब x बराबर हमारा 22 आ गया यानी कि पहले दो प्रेक्षणों का माध्य निकालना है, तो देखिए पहले दो प्रेक्षण यहाँ पे प्रथम दो प्रेक्षण लिखेंगे हम, यहाँ पे लिख देते हैं प्रथम दो प्रेक्षण। देखिए प्रथम दो प्रेक्षण अगर यहाँ से हम लिखें तो पहला प्रेक्षण हमारा क्या था, हमने माना है x, तो ये क्या हो जाएगा हमारा x का मान 22 आ गया, 22 हो जाएगा। फिर दूसरा हमारा प्रेक्षण यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए क्या दिया गया, x माइनस वन, तो ये x माइनस वन में रख देंगे 22 माइनस वन अर्थात आ जाएगा 21 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे 21 आ गया। अब अगर हम देखेंगे पहले दो प्रेक्षणों का माध्य ज्ञात कीजिए, तो पहले दो प्रेक्षण हमारे कहेंगे पहले दो प्रेक्षणों का माध्य निकाल, प्रथम दो का माध्य देखिए हम यहाँ पे लिख देंगे प्रथम दो का माध्य, प्रथम दो का माध्य अगर लिखेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 22 और 21 यानी 20 20 40, यहाँ पे कितना आ गया 43/2 हमारा आ जाएगा 2। देखिए 2 2 4 और 2 1 2 और 2 5 10 यानी कि 21.5 आ जाएगा, ये दिया गया है डी ऑप्शन पे। तो 9 का दोस्तों अगर देखेंगे तो हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 9 का दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, डी के साथ क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 9 के बाद हम लोग देखेंगे 10वां नंबर क्वेश्चन, और 10वें नंबर क्वेश्चन पे देख लीजिएगा दिया गया है यदि A1 A2 A3 और A4 का औसत 5 है, A1 बराबर 21 है और A1 A2 और A3 का औसत A2 A3 और A4 के औसत के बराबर है तो A4 का मान ज्ञात कीजिए। इतने सबका योग कितना बता दिया गया है देख लीजिएगा, यहां से इसने बताया है भाई, यहां से बताया है A1 A2 A3 और A4 का औसत कितना बता दिया गया है, तो यहां से देख लीजिएगा A1 का मान बता दिया गया 21, तो हमने रख दिया 21, फिर आगे रख दिया A2, फिर रख दिया A3 और फिर आगे रख दिया A4, इनका कितनी संख्या है 4, तो बटे 4 कर देंगे। इनका एवरेज कितना बताया है, इनका एवरेज बताया है 19.5, तो यहां से हम क्या कर देंगे, यहां से हम कर देंगे 19.5 कर देंगे, तो हमने यहाँ पे कर दिया 19.5 हो गया। ठीक है भाई देख लीजिएगा 19.5 हमारा हो गया 5। आगे देंगे दोस्तों तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, तो यहां से हमारा आ जाएगा देखिए बटे हमने क्या कर दिया 1 कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, देखिए 4 5 20 हो जाएगा, तो यहां से हमारा आ जाएगा, बात पहले समझना, A2 A3 और A4 बराबर हमारा कितना आ जाएगा, बराबर आ जाएगा हमारा 4 5 20 की 0 कैरी हो जाएगा हमारा 2, 4 9 36 37 38 38 की हो जाएगी 8 कैरी हो गया हमारा 3, 4 1 9 4 3 हो जाएगा 7, तो 19 4 76 और 77 78 एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे, और किसी धर्म नहीं लिखा है ये किस इधर आके इससे घट जाएगा A2 A3 और यहाँ पे A4 बराबर कितना आ जाएगा 78 से एक कम करेंगे 77
77 से दोस्तों यहाँ पे हमारा 20 और कम कर देंगे, 77 दोस्तों हम जब 20 और कम करेंगे तो 77 से 10 हम कम करेंगे तो आ जाएगा 67, और 67 से 10 और कम करेंगे तो आ जाएगा हमारा 57, 57 67 57 से अगर बढ़ेंगे आगे 10 तो हो जाएगा हमारा, देखिए 8 से 1 घटाएंगे सीधा सीधा, 8 से 1 घटाएंगे 7, अब 7 से 2 घटा देंगे तो आ जाएगा 5, 57 ही तो आया। आप देख लीजिएगा ये तो आ गया, इसको आप लीजिएगा कुछ भी इक्वेशन कह दीजिएगा, ये हमारा देख लीजिएगा कितना हो गया। चलिए आगे क्या कह रहा, A1 A2 और A3 का औसत। अब पहले यहां से बात समझिएगा, इसने कहा है देख लीजिएगा A1 A2 और A3 का औसत बटे 3 हो जाएगा, बराबर का औसत A2 के औसत के बराबर रख लीजिएगा, A3 और A4 के औसत बराबर बराबर कर दिया। अब देख लीजिएगा यहां से क्या करेंगे हम, देखिए ये तीन आपस में, अब देख लीजिएगा ये जो A2 और A3 जब इधर आएंगे तो ये आपस में कट जाएंगे, यहां से आ जाएगा A1 बराबर A4 आ जाएगा। A1 का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, यहां पे बताया भी गया है प्रश्न में कि A1 का वैल्यू कितना है, 21 है, तो यहां से आ जाएगा A4 का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा, 21 आ जाएगा। देख लीजिएगा हमने जगह पे भी 21 रख दिया और तो पहले से ही पता है, तो यही तो कह रहा है, तो A4 का मान ज्ञात कीजिए, तो यहां से अगर देखेंगे A4 का मान ज्ञात कीजिए तो A4 का मान देखिए तो कह रहा A4 का मान क्या होगा, तो A4 का मान भी दोस्तों क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो 21 दोस्तों देख लीजिएगा कहां पे दिया गया है, 10 हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा, 10 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, 10 के बाद हम लोग 11 नंबर देखेंगे, और 11 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि पहली 5 भाज्य संख्याओं के माध्य तथा पहली 5 अभाज्य संख्याओं के माध्य का अंतर कितना होगा। अब पहले बात समझिए, पहले माध्य कहा गया है, तो पहली 5 भाग अगर हम माध्य रखते हैं, देखिए पहली 5 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा और यहाँ पे 12 हो जाएगा, तो पहली 5 भाज्य संख्याओं का ये माध्य बटे हमारा कितना हो जाएगा, 5 बराबर कर दिया। पहली 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य, तो पहली 5 अभाज्य संख्या दोस्तों देख लीजिएगा 2 हो गया, 2 के बाद हमारा 3 हो जाएगा, 3 के बाद हमारा कितना हो जाएगा, 3 के बाद हमारा 5 हो जाएगा, 5 के बाद 7 हो जाएगा, 7 के बाद 11 हो जाएगा, बटे हमारा कितना हो जाएगा, 5 है। करा इन माध्य का अंतर कितना होगा, अंतर कहा ना, तो हम यहाँ पे जो इक्वल लगा दिए हैं इसमें आप अंतर लगाइएगा, ठीक है भाई। तो बस देख लीजिएगा इतना ही हमको हल करना था, यही हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे, तो यहाँ पे देख लीजिए क्या आ जाएगा, देख यहाँ पे आएगा 6 4 10 10 8 18 18 10 28 28 29 30 10 40, देख लीजिएगा यहाँ से आ गया 40, और यहाँ पे जोड़ेंगे 3 2 5 5 5 10 10 7 17 17 1 18 18 10 28 आ जाएगा, बटे हो जाएगा 5। देखिए 5 से ये 8 बार में कट जाएगा, और ये 5 से हमारा कटेगा 5 5 25 5 6 30, 5.6 आ जाएगा, तो ये 8 माइनस का 5.6 हो गया, तो 6 घटाएंगे तो 7 8, यानी कि 2.4 बन जाएगा, कितना बचेगा 2.4 बचेगा, तो 2.4 हमारा यहाँ पे दिया गया है ए ऑप्शन पे, तो 11 का दोस्तों देख लीजिएगा विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 11 का विकल्प नंबर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पे हमारा, अब यहाँ पे कह रहा ना संख्याओं के माध्य का अंतर हमको निकालना है दोस्तों, तो भाई यहाँ से माध्य का अंतर अगर आपने देखा तो ये एक बार फिर से दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे 11 नंबर जो संख्याएं हैं ये कितनी हो गई, देखिए 4 हो गया है, पहले भाज्य संख्याओं का निकालेंगे तो 4, 4 के बाद दोस्तों हमारा 5 नहीं होगा, 6 हो जाएगा, 6 के बाद हमारा 8 हो जाएगा, 8 के बाद दोस्तों हमारा 9 भी तो भाज्य है, हमने भाज्य संख्या रखने में गलती कर दिया है, हमने यहाँ पे भाज्य संख्या रखने में गलती कर दिया है, तो यहाँ से दोस्तों देख लीजिएगा हमारा क्या 14, 14 से 6 घटा देंगे कितना आ जाएगा हमारा 8 आ जाएगा, 14 से 6 घटाएंगे 8 आ जाएगा, 0.5 इधर बचा, 6 से 5 घटा देंगे तो 1 आ जाएगा, तो 1.8 दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है डी ऑप्शन पे, तो विकल्प नंबर हमारा 11 का डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 11 के बाद यहाँ पे हम लोग देखेंगे 12 नंबर को, प्रथम 8 विषम प्राकृतिक संख्याओं का अगर आप माध्य निकालेंगे, देख लीजिएगा प्रथम 8 विषम प्राकृतिक संख्याएं,
तो विषम प्राकृतिक संख्याओं को अगर आप लिखेंगे तो कौन कौन सी हो जाएंगे देख लीजिएगा। हमारा प्रथम आठ विषम प्राकृतिक लिख रहे हैं, एक हो जाएगा, तीन हो जाएगा, तीन के बाद हम देखेंगे दोस्तों तो हमारा पांच हो जाएगा, पांच के बाद हमारा देखेंगे तो पांच के बाद सात हो जाएगा, सात के बाद हमारा नौ आ जाएगा, नौ के बाद ग्यारह आ जाएगा, ग्यारह के बाद दोस्तों हमारा तेरह आ जाएगा, तेरह के बाद हमारा पंद्रह आ जाएगा। देखिए आठ हो गई, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, हाँ आठ संख्याएं हो गई। अब प्रथम आठ विषम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य कितना होगा, तो इसका माध्य निकालना है तो बटे हमारा कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे दोस्तों देखिए जब माध्य बराबर हमारा, तो इनको सबको जोड़ेंगे, तीन एक चार, पांच चार नौ, नौ एक दस, दस छह सोलह। और क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा हमारा दिया ये क्या है, यहाँ पे बारह के बाद देखेंगे दोस्तों तेरह नंबर क्वेश्चन, और तेरह नंबर पांच क्रमागत सम संख्याओं का औसत 40 है, इनमें इन संख्याओं में से सब नॉर्मल है, चाहे आप ऐसे भी हल कर लीजिएगा चाहे ऐसे भी हल कर दीजिएगा। देखिए पांच क्रमागत सम संख्याएं बताई गई है, देखिए एक दो तीन चार पांच, ये पांच संख्याएं होंगी, इन क्रमागत सम संख्या कहा गया। देखिए यहाँ पे पहले बात समझिए, पांच क्रमागत सम पांच संख्याएं, वो भी सम सम संख्याएं का औसत कितना है 40। औसत का मतलब दोस्तों बीच वाली संख्या का मान दे दिया गया 40, ये आगे की हो जाएगा 42, फिर हो जाएगा 44, इसके पीछे का कितना आ जाएगा हमारा 38 आ जाएगा, और इसके पीछे आ जाएगा। तो ये तो कह रहा सबसे छोटी संख्या का मान, सबसे छोटी संख्या कौन हो जाएगी यहाँ पे 36, 36 दिया गया बी ऑप्शन पे। तो 13 का दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे विकल्प नंबर हमारा बी के साथ, हम 20 गुणांकों का औसत ज्ञात करो, सात के प्रथम 20 गुणांकों का औसत ज्ञात करना है। अब देखिए इसने सात के कहा है ना, तो आप पहले लिख दीजिएगा 20 गुणांकों का योग, देखिए यहाँ पे हम लिख देंगे 20 गुणांकों का योग, 20 20 गुणांकों का योग, हम यहाँ पे लिखेंगे 20 गुणांकों का आगे लिख दीजिएगा योग बराबर। तो फार्मूला भी आपने क्या पढ़ा है, फार्मूला यही तो आपने पढ़ा है, ये पढ़ा है एस एन बराबर एन बाई टू, और यहाँ पे टू ए प्लस का एन माइनस वन इंटू डी, देखिए यहाँ पे एन बाई टू, यहाँ पे आ जाएगा टू ए प्लस का एन माइनस वन इंटू डी, देख लीजिएगा इसी फार्मूले पे आपको रखना है। तो n n का मान दोस्तों कितना दिया गया 20, 20 बटे आ जाएगा 2, और यहाँ पे 2a, तो a का मान यहाँ पे कितना रखेंगे 20 गुणांकों का योग। तो यहाँ पे अगर आप रखेंगे तो a का मान रख दीजिएगा दोस्तों यहाँ पे, यहाँ पे रखेंगे 2a का मान रख दीजिए, यहाँ पे अगर 20 गुणांक है तो यहाँ पे अगर सात का प्रथम मतलब बताया गया है, तो सात का प्रथम 20 गुणांक, तो सात एकन्नम सात, ऐसे करके ले जाएंगे तो ए का मान आ जाएगा दोस्तों सात आ जाएगा, ठीक है ना। जब यहाँ पे सात आ जाएगा तो टू ए प्लस का एन माइनस वन, तो यहाँ पे 20 माइनस वन इंटू डी, तो देख लीजिएगा जब एक आएगा हमारा, देखिए सात का गुणांक रखेंगे तो पहला तो आ जाएगा सात, फिर आ जाएगा सात दूना चौदह आ जाएगा इस जगह पे, नहीं प्रथम का प्रथम नहीं सात के प्रथम दो 20 गुणांक, देखिए सात दूना चौदह आ जाएगा, फिर सात तरीके 21 आ जाएगा, 20वां गुणांक कितना आ जाएगा सात दूना चौदह यानी कि 140 आ जाएगा, देख लीजिएगा 20वां गुणांक हमारा कितना आ जाएगा 20 सत्ते 140 140 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 20 यानी कि n का मान रख दिया, 2a रख दिया, और फिर n माइनस वन यानी कि 20 माइनस वन इंटू डी, ये देखिए यहाँ पे ये क्या है हमारा 14 है, तो देखिए यहाँ पे कितना डिफरेंट आ जाएगा 14, यहाँ पे आ जाएगा 7, देखिए हमने यहाँ पे रख दिया 7, ठीक है भाई। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जब हमारा इतना आ गया, इसका हल करेंगे, देखिए यहाँ पे आ जाएगा 10, 10 रख दिया, 7 दूना 14 हो जाएगा, 14 रख दिया, देखिए 19, 19 सत्य कितना हो जाएगा 19 सत्य, यहाँ पे अगर हम देखा जाए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 19 सत्य, देखिए सात नहीं 63 की रख देंगे 3, कैरी हो जाएगा हमारा 6, सात नहीं 63 की 3 कैरी हो जाएगा 6, फिर सात का नम 7 और 7 6 कितना हो जाएगा 13, देखिए यहाँ पे हमारा हो गया 13, तो 133 आ जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पे हमारा 133 आ गया। तो यहाँ से आप रख देंगे दोस्तों 133 रख देंगे, क्या रखेंगे दोस्तों 133, देख लीजिएगा यहाँ से 133, देखिए यहाँ पे सात एनम सात सात छः तेरह, देखिए कुल मिला के टोटल कितना हमारा आ गया 133 आ गया। तो यहाँ से हमने रख दिया दोस्तों 133, अब इसको जोड़ेंगे,
133 में 4 जोड़ देंगे तो 137, 147, देखिए 147 आ गया, मल्टीप्लाई 10 का और कर देंगे तो आ जाएगा 1470 आ जाएगा। तो हमने निकाल लिया 20 गुणांकों का योग, प्रथम सात के 20 गुणांकों का योग, यहाँ पे हम लिख देते हैं प्रथम नहीं सात के 20 गुणांक, सात के 20 गुणांकों का योग कितना आया, 1470 आ गया। कितना आ गया भाई, 1470 आ गया। अब यहाँ पे कह रहा औसत ज्ञात कीजिए, तो देख लीजिएगा अब एवरेज अगर आप निकालेंगे तो एवरेज बराबर, देखिए यहाँ पे एवरेज बराबर निकालेंगे तो ये 1470 बटे कितना आ जाएगा 20, ये 0 0 कट जाएगा, और 214 और 2 3 6, 2 5 10, यानी कि 73 दशमलव कितना आ जाएगा हमारा 5 आ जाएगा, 73 दशमलव 5 देख लीजिए दिया गया सी ऑप्शन पे। तो 14 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और 14 के बाद हम लोग देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन, और 15 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया, कहा गया कि 8 के प्रथम 20 गुणांकों का औसत, तो यहाँ पे हमारा दिया गया 8 के प्रथम 20 गुणांकों का जब एवरेज हम निकालेंगे तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, देख लीजिएगा 8 के प्रथम 20 गुणांक हम अगर देखेंगे तो एक तो हो जाएगा हमारा 8, पहले अगर सीरीज बनाएंगे देखिए 8, 8 2 9 16, 8 3 24, 8 4 32, ऐसे डॉट डॉट करके 20वां पद हो जाएगा, 8 2 9 16, 160 हो जाएगा। अब देख लीजिएगा इनका हम क्या निकालना है, एवरेज निकालना, एवरेज जब इनका निकालेंगे तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा, एवरेज निकालना है तो इनका सबका हम क्या करेंगे, योग करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 8 के प्रथम 20 गुणांकों का योग, हम लिख देंगे 8 के 20 गुणांकों का योग, 20 गुणांकों का आगे लिखेंगे योग बराबर, देख लीजिएगा फॉर्मूला हो जाएगा हमारा एन बाई टू, और यहां पे आ जाएगा 2a प्लस का एन माइनस वन इंटू डी, ये फार्मूला होता है, बस इसी फार्मूले पर रख दीजिएगा एन। एन का मान दोस्तों देख लीजिए कितना दिया गया है, एन का मान 20 दिया गया, 20 अपान का 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 और ए का मान कितना दिया गया है 8, 8 रख दिया, फिर एन, एन का मान दोस्तों कितना दिया गया है, एन का मान यहाँ पे हमारा दिया गया 20 माइनस वन इंटू डी, डी का मान यहाँ पे कितना दिया गया है यानी कि 8, 8, यहाँ पे डी का मान 8 आ जाएगा। अब आगे हल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा 10 आ जाएगा, तो यहाँ पे हमने 10 रख दिया, और यहाँ पे 8 2 9 16 रख दिया, फिर यहाँ पे देखेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 19 और मल्टीप्लाई 8, अब देख लीजिएगा यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10 रख दिया, देखिए 16 हमने वही रख दिया, और प्लस का 8 नहीं 72 की 2 कैरी हो जाएगा हमारा 7, 8 1 8, 8 7 15, देखिए यहाँ पे कितना रख देंगे 15, तो यहाँ पे आ गया हमारा 15 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमारा 10 हो गया, और यहाँ पे हमारा देखिए 152 में 6 जोड़ देंगे तो 158, और 158 में 10 और जोड़ देंगे तो 158 में 10 और जोड़ देंगे तो हमारा 168 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 168, तो टोटल कितना आ जाएगा हमारा 1680 आ जाएगा, इनका योग कितना आ गया हमारा 1680 आ गया। अब हमको निकालना क्या है, एवरेज निकालना है, तो देखिए एवरेज बराबर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो ये 1680 बटे कितना कर देंगे हम 20 के, देखिए ये 0 से 0 कट जाएगा, 2 8 16, 2 4 8 कितना आ गया 84 आ गया, यही 84 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जो कि दिया गया है सी ऑप्शन पे। तो विकल्प नंबर देखेंगे तो 15 का हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा, 15 का दोस्तों हमारा विकल्प नंबर कौन सा राइट हो गया, सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 15 के बाद हम लोग 16 नंबर देखेंगे, तो 16 नंबर में दोस्तों देख लीजिएगा हमारा दिया ये गया है, इस पे कहा गया क्वेश्चन पे कि देखिए यहाँ पे एक क्रम से नहीं लगा है यानी कि बीच में ही रख दिया गया क्वेश्चन को, देखिए चलिए फिर भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे कहा गया है 9 के प्रथम 30 गुणांकों का औसत क्या होगा, अब 9 के प्रथम 30 गुणांकों का औसत, तो हम क्या करेंगे 9 के प्रथम 30 गुणांकों का योग लिखेंगे, हम लिखेंगे 9 के 30 गुणांकों का योग बराबर, देख लीजिए यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, यहां से हम लिखेंगे 9 के 30 गुणांकों का योग, 9 के 30 गुणांकों का योग बराबर, 9 के 30 गुणांक यहाँ पे क्या हो जाएंगे हमारे, देख लीजिएगा 9 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 27 हो जाएगा, 36 हो जाएगा, फिर कॉमा करके यहाँ पे 9 के प्रथम 30 गुणांक, 9 के प्रथम 30 गुणांक यानी कि 9 त्रिक 27, 270 आ जाएगा। यहां से योग निकालेंगे, देख लीजिएगा यहाँ पे एस एन बराबर यानी कि योग निकाल रहे हैं, योग आ जाएगा हमारा 30 बटे हमारा 2 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2a रख दिया प्लस का एन माइनस वन, एन का मान 30 माइनस वन इंटू डी, डी आ जाएगा हमारा 9 आ जाएगा, ठीक है।
अब अगर इसको हल करेंगे तो यहां से तो आ जाएगा 15 आ जाएगा, और यहां पे हो जाएगा 9 दूना 18 हो जाएगा, प्लस का 30 से 1 घटाएंगे 29, 29 मल्टीप्लाई 9 कर देंगे तो 9 नवा 81 की 1, और यहाँ पे हो गया 8 और 29, 9 नवा 81 की 1 और 9 नवा 81 की 1 हो गया, और यहाँ पे हमारा हो गया 9 नवा 81 की 1 कैरी हो जाएगा 8, 9 दूना 18, 18 दो 20, 6 26 हो जाएगा। तो यहाँ पे 9 दूना 18, 18 में 8 जोड़ेंगे, 18 तो 20, 6 26, यानी कि यहाँ पे आ गया 261 आ गया। कितना आ गया दोस्तों हमारा? 261 आ गया। अब दोस्तों देख लीजिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे 15 और यहाँ पे हो जाएगा 261 में 18 जोड़ देंगे, देखिए 8 एक 9 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे 6 एक 7 हो जाएगा, 8 एक 9, 6 एक 7, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2, देख लीजिएगा 279 आ गया। अब इनको और आगे अगर देखेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, देखिए 15 नवैया 135 की 5 कैरी हो जाएगा हमारा 13, 15 नवैया 135 की 5 कैरी हो जाएगा हमारा 13। अब 15 सत्ते 105, 105 में 13 जोड़ेंगे तो 108, 108 में 10 और जोड़ देंगे तो 118 हो जाएगा, 118 की 8 रख देंगे कैरी हो जाएगा हमारा 11। अब 15 दूनी 30, 30 में 11 जोड़ देंगे 40 और 41, यहाँ पे देखिए इनका योग कितना आ गया, 4185 आ गया। कितना आ गया भाई? इनका 30 पदों का योग आ गया 4185। अब हमको क्या निकालना है? एवरेज निकालना है, तो एवरेज बराबर ये लिखेंगे 4185 बटे हम कर देंगे 30, यानी कि अब ये तो देख लीजिएगा यहां से अगर देखा जाए 3 से इसको हम कट करें तो कितना आ जाएगा, 3 एकन्नम 3 आ जाएगा, बचा हमारा 1, 11 हो गया, 3 त्रिका 9, बचा 2, 3 नवा 27 और 27 बचा 1, 28, 28 तो यहाँ पे 3 पचे 15, अब देखिए बटे यहाँ पे 10 बचा, तो एक अंक बाद दशमलव जब लगाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 13, 139.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 139.5। देख लीजिएगा दिया कहाँ पे गया, सी ऑप्शन पे, तो 16 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 100 अगला देखेंगे 17 नंबर दोस्तों, यानी कि 16 हमारा 17 कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 50 है, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के गुणनफल तथा चतुर्थ और दूसरी संख्या के गुणनफल का अंतर है क्या है, ये बात बतानी है हमको। देख लीजिएगा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आप 5 क्रमागत संख्याओं का औसत, तो अगर यहां से हम मान लें 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 50 है, पहले बात समझना, यहाँ पे देख लीजिएगा 5 क्रमागत संख्याएं कौन सी होंगी, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत इसने क्या बता दिया है, 50 बताया है, तो देखिए बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन हो गया। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, यही तो 5 क्रमागत संख्याएं हमारी होंगी, तो ये 5 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना बता दिया गया, 50, तो यहाँ पे बीच का वैल्यू बता दिया गया 50, तो ये आगे वाली संख्या 51 होगी और आगे वाली 52 होगी और ये हमारी पीछे वाली 49 होगी और ये हमारी 48 होगी। देखिए 5 क्रमागत संख्याएं हमारी हो गई, इतनी बात आपको समझ में आ गई, 5 क्रमागत संख्याएं हमारी हो गई। तो कह रहा है अब जरा सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का गुणनफल, देखिए अब यहाँ पे अगर देखेंगे सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का गुणनफल, देखिए सबसे छोटी संख्या 48 और सबसे बड़ी संख्या 52, इनका गुणनफल देखेंगे तो गुणनफल कितना आ जाएगा, इनका गुणनफल देखेंगे तो 2 8 16 की 6 कैरी हो जाएगा हमारा 1, और 2 8 16 की 6 कैरी हो जाएगा हमारा 1, और फिर 2 4 को 8, 1 9 आ जाएगा, यहाँ पे 5 8 40 की 0 कैरी हो जाएगा हमारा जाएगा 49, और फिर यहाँ पे देखेंगे तो 5 9 45 की 5 कैरी हो जाएगा हमारा। बराबर निकालेंगे तो यहाँ पे देख लीजिएगा 2496, सबसे पहले हमको इसकी वैल्यू बताई गई है ना, तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू रखेंगे 2496 को रखेंगे, फिर यहाँ पे माइनस करेंगे यहाँ पे 2499, 2499 घटाएंगे, देखिए 2499 वाला बड़ा है तो माइनस का 3 बचेगा, यही -3 हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जो कि बी पे मौजूद है। तो 17 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 17 के बाद हम लोग 18 नंबर देखेंगे, यहाँ पे कहा है कि 5 क्रमागत संख्या कौन सी होगी, तो बी वाली संख्या वही हमारी दोस्तों क्या आ जाएगी, 10 ही तो आ जाएगी, तो 10 हमारा यहाँ पे देख लीजिएगा दिया गया ए ऑप्शन पे, तो 18 का दोस्तों विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, चलिए मैं आपको यहाँ पे समझा दे रहा हूँ।
संख्याओं का औसत कितना बता दिया गया, 10। देखिए पांच क्रमागत ये हमारी पांच क्रमागत संख्याएं हैं, तो इन पांच क्रमागत संख्याओं का औसत इसने क्या बता दिया, 10, यानी बीच वाली संख्या का वैल्यू 10 बताया गया है। तो पांच क्रमागत बताया गया तो 10 के आगे 11 हो जाएगा, 11 के आगे 12 हो जाएगा, और 9 10 10 के पीछे हमारा 9 आ जाएगा, 9 के पीछे हमारा 8 आ जाएगा। तो कह रहा बताइए, तो बीच वाली संख्या करें ना, बीच वाली संख्या, तो बीच वाली संख्या हमारी 10 ही तो हो जाएगी भाई। तो 10 हमारा देख लीजिएगा ए ऑप्शन पे दिया गया है, तो 18 का दोस्तों विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 18 के बाद 19 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि क्रमागत संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों देख लीजिएगा पहली संख्या यहाँ पे हमारी क्या आ जाएगी, 98 आ जाएगी। देखिए 98 दिया गया है हमारा ए ऑप्शन पे, तो 19 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। कैसे आया समझ लीजिएगा, पांच क्रमागत संख्याएं बताई गई, तो देखिए एक संख्या हो गई, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी संख्या, पांचवी संख्या, इन पांच क्रमागत संख्याओं का औसत कितना बता दिया गया, 100। तो देख लीजिएगा हमने यहाँ पे 100 रख दिया, पहली संख्या का पहली संख्या बताइए कह रहा, तो 100 के आगे पांच क्रमागत बताया गया है, तो ये 101 हो जाएगा, और ये हमारा 102 हो जाएगा, और ये हमारा 99 आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 98 आ जाएगा। तो देख लीजिएगा यहाँ पे पहली संख्या हमारी कौन हो जाएगी, 98, तो 19 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट दिया गया है। अगला दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला हमारा दिया गया है 20 नंबर में, कहा गया है कि पांच क्रमागत संख्याओं का औसत 100 है, तो बड़ी तथा सबसे छोटी संख्याओं के वर्गों का अंतर ज्ञात कीजिए। तो देखिए पांच क्रमागत संख्याएं पहले अगर हम निकाल लें, देख लीजिएगा ये पांच क्रमागत संख्याओं का औसत 100 है, तो बीच वाली संख्या हमको 100 बता है, तो देखिए ये आ जाएगा 101 आ जाएगा, ये आ जाएगा 102 आ जाएगा, ये आ जाएगा 99, और ये आ जाएगा हमारा 98 आ जाएगा। तो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्याओं के वर्गों का अंतर, देखिए सबसे बड़ी, देखिए बड़ी का वर्ग निकालेंगे, बड़ी का वर्ग, देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे बड़ी का वर्ग, बड़ी का वर्ग निकालेंगे तो 102 मल्टीप्लाई फिर 102, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे आ जाएगा 104, और फिर 04 हो जाएगा। अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे तो यही आएगा स्क्वायर, ठीक है ना। चलिए अब फिर निकालेंगे छोटी संख्या का स्क्वायर, देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे छोटी का वर्ग, देखिए छोटी का वर्ग निकालेंगे तो छोटी हमारी संख्या क्या है, छोटी संख्या हमारी यहाँ पे दी गई है 98, यहाँ पे 98 मल्टीप्लाई 98 देन हमारा दोस्तों कितना हो जाएगा, देख लीजिएगा 98 में दो ही और हम कम कर देंगे, इसका इसको निकाल रहे हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 96 आ जाएगा, और फिर यहाँ पे हमारा दो कम है तो यहाँ पे हम लिख देंगे 04 लिख देंगे, यानी कि 96 04 हमारा क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर आ जाएगा, कितना आ जाएगा दोस्तों हमारा 96 04 बन जाएगा। अब अगर दोस्तों इसको हम घटाएंगे तो देख लीजिएगा, जब इसको घटाया जाएगा देख लीजिएगा यहाँ पे घटा के हम लोग देख लेते हैं, 4 से 4 जीरो आ जाएगा, फिर जीरो आ जाएगा, इधर आया 14 14 से 6 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा, और यहाँ पे 14 से 6 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा, इधर 9 से 9 बचा कुछ नहीं, तो यहाँ पे कुल मिलाकर के दोस्तों देख लीजिए कितना आ गया इनका अंतर, 800 आ गया। 800 दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया ए ऑप्शन पे, तो 20 का दोस्तों विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। ए का दोस्तों हमारा कौन सा राइट हो गया, ए का हमारा विकल्प नंबर एक, विकल्प नंबर हमारा 20 का ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 20 के बाद दोस्तों देख लीजिएगा 21 नंबर, और 21 नंबर हमारा यहां से अब टाइप चेंज हो रहा है, नेक्स्ट टाइप दूसरा टाइप हम लोग पढ़ेंगे। यहां पे कहा है 25 31 और 41 विद्यार्थियों के तीन बैचों के औसत क्रमशः, 25 31 और 41 विद्यार्थियों के तीन बच्चों के औसत क्रमशः 20 26 और 56 है, सभी विद्यार्थियों के औसत अंक ज्ञात कीजिए, वो भी दशमलव के दो स्थानों तक ज्ञात करना है। कह रहा औसत क्रमशः इनके इतने दिए गए हैं, और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे देख लीजिएगा अगर हम क्या निकालें, सभी बच्चों का क्या कर रहा है, दो अंकों तक हमको औसत ज्ञात करना है। तो बात पहले समझिएगा ध्यान से, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है। देख लीजिएगा यहाँ पे जो ये दिया गया है, देखिए 25 दिया गया है, 31 दिया गया है, और 41 जो दिया गया, 25 31 41 क्या विद्यार्थियों के तीन बैचों के औसत बताए गए हैं, विद्यार्थियों के तीन बैचों के औसत बताए गए हैं, ठीक है भाई। यहाँ पे तीन बैचों के हमने औसत यहाँ पे बताए गए हैं, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, विद्यार्थियों के तीन बैचों के औसत यहाँ पे बताए गए हैं, ठीक है, हमने रख दिया ये औसत। देखिए यहाँ पे औसत बराबर निकालेंगे, औसत पहले वाले का औसत निकालना है तो पहले वाले का दिया गया 20, और यहाँ पे हो जाएगा
ये 25 बच्चों का यानी 25 विद्यार्थियों का योग। देखिए यहाँ पे हम योग निकालेंगे, पहले का योग निकालेंगे किसका, 25 बच्चों का योग बटे कितना है 25, तो 25 × 20 कर देंगे तो यहाँ पे योग आ जाएगा, जो फर्स्ट बैच का योग आ जाएगा। देखिए फर्स्ट बैच का योग आ जाएगा हमारा 25 × 50 यानी कि 500 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसी पर हम सेकंड बैच का योग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 26 × 31 हो जाएगा। अब जब 26 × 31 आप करेंगे तो हमारा 806 आ जाएगा। देखिए 26 × 31 करेंगे तो ये हो जाएगा 806 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे हम थर्ड बैच का योग निकालेंगे, देख लीजिएगा थर्ड बैच का जब योग निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा 56 × 41 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, 56 × 41। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमारा हो जाएगा 56 × 41 हो जाएगा। और इनका योग जब निकालेंगे यानी कि गुणा जब आएगा हमारा तो कितना आ जाएगा, 2296 आ जाएगा। 2296 आ गया, देख लीजिएगा इनका योग 2296 आ गया, इसका योग ये था और इसका योग ये था। तो करा अब सभी विद्यार्थियों के औसत अंक ज्ञात कीजिए। अब देखिए टोटल औसत, देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल एवरेज, देखिए टोटल एवरेज निकालेंगे तो ये हो जाएगा 500, ये हो जाएगा हमारा 806 और ये हो जाएगा 2296। कितना हो जाएगा, 2296 बटे हम कितना कर देंगे, बटे कर देंगे यहाँ पे कितना, कितने बच्चे हैं देख लीजिएगा, 25 बच्चे, यहाँ पे 31 बच्चे और यहाँ पे फिर हमारा 41 बच्चे। इन सबका जब करेंगे देख लीजिएगा इन सबका योग आ जाएगा 3602 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3602 आ जाएगा। और इनको सबको जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 97 आ जाएगा। दोस्तों 97 से इसको जब आप भाग देंगे तो ये आ जाएगा 37 हमारा 13 आ जाएगा। बस यही हमारा टोटल एवरेज आ जाएगा। दोस्तों देख लीजिएगा 21 के बाद यहाँ पे हम लोग 22 नंबर देखेंगे और 22 नंबर क्वेश्चन हमारा देख लीजिएगा यहाँ पे दिया ये गया है। इस पे कहा गया है कि किसी 30 अंकों की गणितीय परीक्षा में 40 छात्रों वाली कक्षा ए द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य कितना है, 23 है। इसी परीक्षा में 45 छात्रों वाली कक्षा बी द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य 22 है। दोनों कक्षाओं के प्राप्त अंकों के माध्य और कक्षा ए के प्राप्त अंकों के माध्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए यहां पे कहा है किसी 30 अंकों की गणितीय परीक्षा में, यानी कि 30 अंकों की क्या हो रही है, एक गणितीय परीक्षा हो रही है जिसमें से 40 छात्र कक्षा ए द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य है। तो देख लीजिएगा ए द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य कितना है, 23 है। तो देखिए 40 × माध्य कितना है, 40 छात्रों वाली, 40 माध्य 23 है तो 40 × 23 हो जाएगा। फिर इसी परीक्षा में 45 छात्रों वाली कक्षा बी में, अब कक्षा बी का जब निकालेंगे तो कक्षा बी का हमारा क्या हो जाएगा, ये 45 छात्रों वाली और यहाँ पे माध्य बी वाले में कितना आ रहा, 22 आ रहा है। और टोटल बच्चे कितने हो जाएंगे, टोटल बच्चे हमारे हो जाएंगे 40 + 45, तो कितने हो जाएंगे, 40 + 45 देख लीजिएगा यहाँ पे 40 + 45। अब इसको हल करेंगे 23 चौको हमारा कितना हो जाएगा, 23 चौको अगर यहाँ से आप देखेंगे तो ऐसा करते हैं हम ऊपर से 5 कॉमन ले ले रहे हैं। जब 5 कॉमन ले लेंगे तो देखिए 5 × 48 यहाँ पे 8 बचेगा और यहाँ पे 23 बचेगा, प्लस का 5 × 9 = 45 और यहाँ पे हमारा 22 बचा। 5 इसलिए कॉमन कर लेंगे, देखिए ये आ जाएगा 85, 85 से हमारा 5 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 5 × 9 = 5, बचा हमारा कितना देख लीजिएगा 3, तो हो गया 35, 5 × 7 = 35 देख लीजिएगा 17 आ गया। अब आगे देखेंगे दोस्तों तो यहां से हमारा देख लीजिए 23 8 8 × 3 = 24 की 4, देखिए 8 × 3 = 24 की 4 कैरी हो जाएगा हमारा 2, 8 × 2 = 16, 17 × 18 देख लीजिएगा 184 आ गया। फिर यहाँ पे हम देखेंगे प्लस कर देंगे और यहाँ पे हमारा प्लस जो दिया गया है 9 × 18 की 8 कैरी हो जाएगा हमारा 1, 9 × 18 की 8 कैरी हो जाएगा हमारा 1, फिर 9 × 18 = 1 हो जाएगा 19, पूरे का बटे हम कर देंगे यहाँ पे 17 आ जाएगा। अब देखिए 8 × 4 = 12 की 2, 8 × 4 = 12 की 2 और यहाँ पे 9 और 1 = 10, 8 × 18 = 8 और 1 × 1 = 2 बटे आ जाएगा 17। तो देखिए अब 282 बटे हमारा कितना बन गया, 17 बन गया। अब 282 बटे 17 जब हम यहाँ पे देखेंगे इसको कट करेंगे, देखिए कितने से कट जाएगा हमारा 282 बटे 17, हमारा कितने से कटेगा, ये कटेगा हमारा देख लीजिएगा, कट रहा हो तो भाई कटिए, कट करिएगा नहीं तो छोड़िएगा। देखिए यहां से अगर आप देखेंगे तो 217 × 2 = 14 बचा, 8 × 3 = 11 बचा, अः अब 8 × 3 = 11 बचा, 17
और यहां पे 8 3 11 112 बन गया। 17 छक्का 102 नहीं कटेगा भाई, तो ये जब ये कटेगा नहीं तो ये हमारा कितना आ जाएगा, देखिए इनको जोड़ेंगे तो 100 100 200 यानी कि 382 बनेगा। इस थोड़े से हम लोग गलती कर रहे हैं यहाँ पे, 382 आएगा। कितना आएगा दोस्तों हमारा, 382 आएगा। हमने क्या रख दिया दोस्तों, 382 रख दिया। इनको जोड़ेंगे तो जोड़ने में गलती हो रही थी, तो यहाँ पे आ जाएगा 382। देखिए 17 दूनी 34, 34 बचा 4, और 17 दूनी 34 भी बचेगा, 6 पूरा पूरा नहीं कटेगा। अब आगे क्या कहा है, करा दोनों कक्षाओं के प्राप्तांकों का माध्य, ठीक है, दोनों कक्षाओं के प्राप्तांकों का ये माध्य है, हमने निकाला है दोनों का माध्य। देखिए ए और बी का माध्य यहाँ पे लिख दीजिएगा, ए और बी का माध्य यहाँ पे लिखेंगे, तो ये चल रहा हमारा ए और बी का माध्य हमने निकाल लिया। फिर कह रहा है दोनों कक्षाओं के प्राप्तांकों का माध्य और कक्षा ए के प्राप्तांकों का माध्य। अब देखिए कक्षा ए का माध्य हमने यहाँ लिखेंगे, कक्षा ए का माध्य अगर आप देखेंगे, कक्षा ए के प्राप्तांकों के माध्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। कक्षा ए का माध्य अगर आप निकालेंगे तो कक्षा ए का जो माध्य हमारा यहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कक्षा ए का जो माध्य हमारा दिया गया है 22 नंबर में, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, कक्षा ए का माध्य जो हमारा हो जाएगा वो दोस्तों देख लीजिएगा, कक्षा ए का माध्य कितना दिया गया है, कक्षा ए का माध्य करा कक्षा ए के प्राप्तांकों के माध्य का अनुपात, तो कक्षा ए में कितने प्राप्तांक हमको प्राप्त हो रहे हैं दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे उनका कह रहा माध्य। देखिए ए के द्वारा प्राप्तांकों का माध्य इसने बता रखा ना, ए के प्राप्तांकों का माध्य कितना है, 23 है, तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा 23 है। देख लीजिएगा अब ये 382 बटे हमारा 17 अनुपात 23 कर देंगे, इनके एवरेज निकालेंगे, तो देखिए ये 382 अनुपात 23 * यहाँ पे 17 आ जाएगा। कितना आ जाएगा हमारा, 17 आ जाएगा। अब देखिए 23 * 17 जब करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, 391 आ जाएगा और ये 382 आ जाएगा। देखिए ऐसा कहीं हमारा आंसर मैच हो रहा है, 382 391 बिल्कुल मैच हो रहा है, दिया गया सी ऑप्शन पे। तो 22 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 22 के बाद दोस्तों देख लीजिएगा 23 नंबर क्वेश्चन, और 23 नंबर हमारा क्वेश्चन में देख लीजिएगा दिया गया है, इस पे कहा गया है कि एक कक्षा की परीक्षा में 5 छात्रों के प्राप्तांकों का औसत इतना है और उनमें से 3 के प्राप्तांकों का औसत 41 है, तो शेष 2 छात्रों के प्राप्तांकों का औसत ज्ञात कीजिए। देखिए 5 छात्रों का योग हम निकाल लें, देखिए 5 का योग निकाल लें, देखिए हम 5 यहाँ पे लिख देते हैं, 5 छात्रों का योग, 5 छात्रों का योग अगर हम निकालेंगे तो 5 * 9 = 45, 45 * 1 हो जाएगा 46, कैरी हो जाएगा हमारा 4 * 5 = 23, 15 * 4 हो जाएगा हमारा 19 हो जाएगा, 19। देखिए 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे तो फाइनली यहाँ से आ गया 196 आ गया। अब दोस्तों 5 छात्रों के प्राप्तांकों का औसत कितना निकला, 39.20 यानी कि ठीक है, और उनमें से प्राप्तांकों का औसत, अब यहाँ पे हम लिखेंगे 3 का प्राप्तांक, 3 छात्रों का योग निकालेंगे, 3 छात्रों का योग, तो देखिए 3 छात्रों का बताया गया 3 मल्टीप्लाई उसमें 3 प्राप्तांकों का औसत कितना बताया गया, 41। देख लीजिएगा इसको जब हल करेंगे तो 3 * 3 = 3, 3 * 4 = 12, 123 हो जाएगा। अब देख लीजिएगा, अब कह रहा है, अब देखिए 2 छात्र का निकालेंगे, देखिए यहाँ से 2 छात्र, देखिए 2 छात्रों का योग, देखिए 2 छात्रों का हम क्या निकालेंगे, योग निकालेंगे, यहां से हमने कर दिया 2 छात्र का योग, या 2 छात्रों का योग आप कर, 2 छात्रों का आगे लिखेंगे योग बराबर, तो कितना है हमारा 196 और 2 छात्रों का योग प्लस का 123 हो जाएगा। देन हमारा देख लीजिएगा 6 * 3 = 9 हो जाएगा और 9 * 2 = 11 हो जाएगा, 1 * 1 = 2 हो जाएगा, यानी कि 6 * 3 = 9 और 9 * 2 = 11, 1 * 1 = 2 = 3 हो जाएगा, 319 हो गया। ये दो छात्रों का योग हमारा कितना आ गया, 319 आ गया। मत योग नहीं निकालना दोस्तों हमको, दो दो छात्रों के इनको आपस में घटाना चाहिए ना, 196, 2 छात्रों का योग निकल के आ जाएगा 196 से हम 123 दिख रहा है, छात्रों का हम निकालना है, 2 छात्रों का ये आया है, 3 छात्रों को आपस में घटा दें तो 2 छात्रों का निकल करके आ जाएगा, 6 से 3 घटाएंगे 3 आ जाएगा, 9 से 2 घटाएंगे तो हमारा 7 आ जाएगा, और फिर यहाँ पे 73 आ गया। कुल मिला के 2 छात्रों का योग कितना आ गया हमारा, 73 आ गया। अब यही 2 छात्रों का औसत निकालना है,
एवरेज आप टू बच्चों का निकालेंगे तो ये 73 बटे हमारा 2 हो जाएगा। देखिए 2 × 3 = 6 और 2 × 6 = 12, 2 × 5 = 10, यानी कि 36.5 आ जाएगा। 36.5 दिया गया बी ऑप्शन पे, तो 23 का दोस्तों विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 23 के बाद दोस्तों देख लीजिएगा 24 नंबर देखेंगे, और 24 दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे हमारा 24 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया, कहा गया कि 100 छात्रों वाली एक कक्षा में एक विशेष विषय में प्राप्त अंकों का माध्य 25 है और 50 छात्रों वाली एक दूसरी कक्षा में उसी विषय में प्राप्त अंकों का माध्य 70 है। दोनों कक्षाओं के छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंकों का माध्य ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों देख लीजिएगा यहां से हम क्या करेंगे, यहां से हम ऐसा करेंगे 100 × 25 कर देंगे। देख लीजिएगा 100 × 25 कर देंगे तो ये 100 छात्रों वाले, जो 100 छात्रों का औसत दिया गया है 25, तो ये आ जाएगा इतना, और यहाँ पे प्लस कर देंगे। दूसरा यहाँ पे 50 छात्र दिए गए हैं, इनका माध्य कितना बताया गया, 70 बताया गया है। अब दोस्तों देख लीजिएगा टोटल करके, और हम टोटल बच्चों की संख्या देखिए 100 + 50 बच्चे हो गए हमारे, इनको जब हल करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 2500 + 3500 बराबर, या पूरे बटे में आ जाएगा हमारा 150 आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों देखेंगे तो 35 और 2500 जब जोड़ देंगे तो 35 × 5 = 40 = 20 = 60, यानी कि आ जाएगा हमारा 6000 आ जाएगा। 6000 बटे हम कर देंगे 15 × 150, ये 0 से 0 कट जाएगा, 15 से हमारा ये 4 बार में कट जाएगा, तो कुल मिलाकर के आ जाएगा 40 आ जाएगा, यानी कि 40 आ जाएगा। 40 दिया गया है देख लीजिएगा डी ऑप्शन पे, तो 24 का दोस्तों विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 24 के बाद हम लोग देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन, और 25 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि 25 छात्रों के समूह में प्राप्तांकों का औसत 36 था, एक छात्र ने समूह छोड़ दिया जिससे परिणाम स्वरूप शेष छात्रों के प्राप्तांकों का औसत बढ़कर 37.5 हो गया। इसके तुरंत बाद एक अन्य छात्र इस समूह में या उस समूह में शामिल हो गया जिसके परिणाम स्वरूप प्राप्त अंकों का औसत घटकर 37.2 हो गया। छोड़ने वाले छात्र और शामिल होने वाले छात्र के प्राप्त अंकों का औसत ज्ञात कीजिए। तो यहां से देखेंगे 25 छात्रों का योग निकालेंगे, तो देख लीजिएगा यहां से हम क्या लिख दें, 25 छात्रों का योग लिख दें। देखिए 25 छात्रों का योग निकाल दें, देखिए 25 छात्रों का औसत कितना है 26 है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 25 × 36 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा हमारा 25 × 36 कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 900 आ गया। तो 25 छात्रों का योग हमने 900 निकाल लिया। अब कह रहा उसमें क्या करता है, एक छात्र जब छोड़ करके चला जाता है तो अब कितने छात्र बचेंगे, 24 छात्र बचेंगे, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 24 छात्रों का योग बराबर यहाँ पे 24 × यहाँ पे देख लीजिएगा, अब इनका औसत बढ़कर के कितना हो जाता है 37.5 हो जाता है, तो यहाँ पे हम 37.5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से दोस्तों कितना आ जाएगा, जब 37.5 का जब से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से भी इनका औसत जो आ जाएगा, यहाँ मल्टीप्लीकेशन करने पे 900 आ जाएगा, 9000 आएगा, एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे तो हमारा आ जाएगा 900, यहाँ से ही बन जाएगा। देख लीजिएगा यहाँ पॉइंट हमने 0 रख दिया, यानी कि इतना आ गया। अब दोस्तों देख लीजिएगा समूह छोड़ने वाले छात्र द्वारा प्राप्त अंक, देखिए यहाँ पे अगर लिखेंगे समूह छोड़ने वाले, यहाँ पे लिख दीजिएगा समूह छोड़ने वाले छात्र का, समूह छोड़ने वाले छात्र का अंक, समूह छोड़ने वाले छात्र के अंक या छात्र का अंक लिखेंगे तो ये 900 − 900 कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका दोस्तों, यहाँ पे 0 आ जाएगा, कितना आ गया 0 आ गया। अब देखेंगे तो कह रहा है, देखिए अब कह रहा है 24 छात्रों में जब एक छात्र शामिल हो जाता है तो कितना उनका औसत हो जाता है, फिर देखिए इसने कहा ना कि जिसके परिणाम प्राप्त अंकों का औसत घटकर इतना हो जाता है, कह रहा है उसके तुरंत बाद एक अन्य छात्र उस समूह में शामिल हो जाता है। देखिए एक छात्र समूह में शामिल होने पर, देखिए अब एक छात्र के शामिल होने पर योग जब हम लिखेंगे, देख लीजिएगा शामिल होने पर यहाँ पे योग हम क्या निकालेंगे दोस्तों, देख लीजिएगा यहाँ पे योग जब निकालेंगे तो 24 छात्र पहले थे, अब प्लस का हमारा एक छात्र और आ जाएगा तो 25 छात्र हो जाएंगे, इनका औसत बढ़कर के कितना हो जाता है, घट करके 37.2 हो जाता है, तो 37.2 कर देंगे, 24 × 25 हो जाएगा मल्टीप्लाई यहाँ पे 37.2 हो जाएगा। अब देख लीजिएगा 25 का मल्टीप्लाई जब हम 37.2 में करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 25 का मल्टीप्लाई 37.2 में जब करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिएगा इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 930 आ जाएगा। देखिए कितना आ जाएगा हमारा
930 यानी कि 9300 आ जाएगा, तो एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे तो इतना आ जाएगा हमारा 930। अब देखिए नए शामिल छात्र द्वारा प्राप्त अंक यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे नए शामिल छात्र द्वारा प्राप्त अंक लिखेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्राप्त अंक यहाँ पे लिखेंगे तो हमारा देख लीजिएगा यहाँ से करेंगे तो 30 अंक मिल जाएगा। तो अब देखिए छोड़ने वाले छात्र का एवरेज बराबर, देखिए एवरेज हमने छोड़ने था और नया शामिल था बटे दो कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कुल मिलाकर के 15 आ जाएगा। कहाँ पे दिया गया डी ऑप्शन पे, तो 25 का क्वेश्चन राइट हो जाएगा, 25 का हमारा दोस्तों विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 26 नंबर, और 26 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है कि 40 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य 68 है, बाद में यह पाया गया कि अंक 25 को गलती से 45 पढ़ा गया है, तो सही माध्य ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे हम देखेंगे 40 छात्रों का औसत कितना बता दिया गया है, 40 छात्रों का औसत 68 बताया गया है, 40 छात्रों का औसत या माध्य कह दीजिएगा 68 बताया गया, बाद में यह पाया गया कि 25 को गलती से 45 पढ़ लिया गया। देखिए 25 था लेकिन उसको हमने क्या गलती से पढ़ा, 45 पढ़ा है, तो देखिए 45 से हम 25 देख लेंगे, 25 था लेकिन उसको हमने गलती से कितना पढ़ लिया है, 25 था लेकिन हम उसको गलती से 45 पढ़ लिए, तो कितना अधिक पढ़ लिए हैं हमने, 20 अधिक पढ़ लिया, कितना पढ़ लिया 20 अधिक हो गया, यानी कि 20 अधिक हमने पढ़ा, क्या लिख देंगे 20 अधिक पढ़ा। तो ये जो 20 है इस 20 को हम कितने छात्रों में बांट देंगे, इस 20 को हम 40 छात्रों में बांट देंगे, तो देखिए ये जो 20 है इस 20 को जब 40 छात्रों में बांटेंगे तो ये 4 × 5 = 20, देखिए 5/10 दिन हमारा कितना आ जाएगा 0.5 बढ़ जाएगा। अब 0.5 जब हमारा बटेगा तो देख लीजिएगा, यानी कि ये हमारा क्या था कुल मिलाकर के 20 अधिक हो गया ना, हमने 20 अधिक पढ़ा है, तो ये जब 20 कम हो जाएगा ना, देखिए क्या हो जाएगा 20 कम हो जाएगा ना, तो ये 0.5 इन 40 बच्चों में एवरेज में ये एवरेज आ गया, मतलब ये मतलब कितना 40 बच्चों का एवरेज आ गया, ये देखिए 40 बच्चों का यहाँ पे हम क्या निकाल लिए हैं एवरेज है निकाल लिए हैं, 40 बच्चों के एवरेज हमारे कितना आ गया 0.5 आया, तो ये 0.5 अब हम इन चारों बच्चों में 40 बच्चों में क्या कर देंगे घटा देंगे, देखिए जब इसको घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 67.5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 67.5, तो यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। देख लीजिएगा दिया गया डी ऑप्शन पे, तो 26 का दोस्तों विकल्प नंबर हमारा डी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा, 26 का विकल्प नंबर डी राइट हो गया। और नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 26 के बाद 27 नंबर, और 27 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों देख लीजिएगा हमारा दिया ये गया है, इसमें कहा गया है कि एक कक्षा के 3 छात्रों के एक परीक्षा में औसत अंक 25 में से 18 है, अब देख लीजिएगा 25 में से 18 है, तो यहाँ पे 3 छात्रों का औसत, देखिए एक कक्षा के 3 छात्रों के एक परीक्षा के औसत अंक 25 में से 18 है, यानी कि 25 नंबर का पेपर रहा होगा उसमें से 18 अंक एक बच्चे के आ रहे हैं, तो कह रहा है 2 नए विद्यार्थी परीक्षा देते हैं वह न्यूनतम अंक कितने हैं जो एक नए छात्र द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं और यह अन्य छात्रों से कम हो तथा 5 छात्रों का कुल औसत बढ़कर 20 पहुंच जाए, ये बात यहां से बतानी है। तो देख लीजिएगा यहाँ पे हमारा करा 5 छात्रों का कुल अंक अगर आप यहाँ पे बनाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, देख लीजिएगा 5 छात्रों का यहाँ पे कहा गया जो एक नए छात्र द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं वह अन्य छात्रों से कम हो तथा 5 छात्रों का कुल औसत बढ़कर 20 हो जाता है, तो देखिए जब औसत इनका बढ़कर 20 हो जाता है तो कुल मिलाकर के यहां से देखेंगे तो भाई यहाँ पे हमारे क्या हो जाएंगे, तो 5 छात्रों का अगर देखेंगे तो 5 छात्रों का कुल अंक कितना हो जाएगा, तो मान लीजिएगा अब अगर यहाँ औसत बढ़कर 20 हो जाए तो प्रत्येक बच्चे का हो जाएगा 20, तो 5 छात्रों का योग हम निकाल लेंगे कितना हो जाएगा 100 आ जाएगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, देखिए एक कक्षा के 3 छात्रों के एक परीक्षा में औसत अंक 25 है, देखिए औसत अंक 25 में से 18 है, तो हम लिखेंगे 3 छात्रों का पूर्णांक, यहां पे लिखेंगे 3 छात्रों का
तीन छात्रों का पूर्णांक, देखिए क्या लिखेंगे, तीन छात्रों का पूर्णांक बराबर हम लिखेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा तो 25 मल्टीप्लाई तीन कर देंगे तो 75 आ जाएगा पूर्णांक हमारा, आ जाएगा 75 आ जाएगा हमारा पूर्णांक। और उसके बाद अगर दोस्तों देखेंगे हमारा, तो यहाँ पे हमारा क्या दिया गया है, तीन छात्रों का पूर्णांक हमारा 75 दिया गया है। और आगे अगर देखेंगे तीन छात्रों के प्राप्तांक इस बार निकालेंगे, क्या निकालेंगे, प्राप्तांक। तो प्राप्तांक जब निकालेंगे तो ये आ जाएगा, देखिए तीन छात्र हैं और यहाँ पे कितने अंक प्रत्येक छात्र को मिल रहे हैं, 18, तो कितना आ जाएगा, 54 आ जाएगा। तो तीन छात्रों का प्राप्तांक हमने निकाल लिया दोस्तों, 54 निकाल लिया। अब एक बात ये कहा है कि वह न्यूनतम अंक कितने हैं, हमको न्यूनतम अंक ज्ञात करने हैं जो एक नए छात्र द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं और या अन्य छात्रों से कम हो तथा पांच छात्रों का कुल औसत बढ़कर 20 हो जाता है। तो देखिए हम पांच छात्रों का अंक का योग निकालें, पांच छात्रों का कुल अंक निकालें, तो यहां से लिख दिया पांच छात्रों का योग। देखिए पांच छात्रों का योग निकालेंगे तो पांच मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, ये पांच छात्रों का योग निकाल, पांच छात्रों का कुल औसत बढ़कर 20 हो जाता है, तो एक छात्र का 20 हो जाता है तो पांचों छात्रों का 20-20 जब होगा तो 20×5 कितना आ जाएगा, पांच छात्रों का योग आ जाएगा 100 आ जाएगा, 100 आपने निकाल लिया। अब कह रहा है अगर दो छात्रों द्वारा प्राप्त अंक निकालें, देखिए यहां से हम लिखें दो छात्रों का, देखिए 5 - 3, देखिए 5 - 3 तो यहां पे कितना आ जाएगा हमारा, 5 - 3 छात्रों का योग, छात्रों का आगे लिख दीजिएगा योग, योग बराबर निकालेंगे तो ये 100 - 54 हो जाएगा, देन यहां पे हमारा कितना बचेगा, 46 बचेगा, कितना बचेगा हमारा, 46 बचा। अब देख लीजिएगा 46 हो गया, तो यहां से अगर हम देखेंगे तो बात पहले समझना, यहां पे कह रहा न्यूनतम अंक ज्ञात करने हैं, तो 46 टोटल हमारा निकल कर क्या गया, इस 46 में पहला वाला तो हमारा 25 का पूर्णांक था ही था, पहला वाला हमारा क्या था, ये हमारा पूर्णांक 25 का था ही, ये पूर्णांक है ना, ये पूर्णांक है, तो अब ये देखिए 25 का, अब 25 में हम कितना जोड़ दें कि हमारा 46 पहुंच जाए, तो 25 + 1 = 26 + 36 = 46, तो ये क्या आ जाएगा हमारा न्यूनतम अंक आ जाएगा, क्या आ जाएगा भाई, न्यूनतम अंक कितना आ गया हमारा 21, 21 दिया गया सी ऑप्शन पे, तो सही साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 27 के बाद 28 नंबर, और 28 नंबर हमारा क्वेश्चन में देख लीजिएगा, यहां पे दिया गया है, इस पे कहा गया कि एक कॉलेज के तीन समूहों G1 G2 और G3 में छात्रों की क्रम संख्या क्रमशः 20, 40 और 60 है, समूह G1 G2 और G3 द्वारा प्राप्त किए गए औसत अंक क्रमशः 50%, 60%, 70% है, कॉलेज के सभी छात्रों के औसत अंक ज्ञात कीजिए। तो देख लीजिएगा अगर यहां से देखेंगे G1 के कुल अंक निकालेंगे, देखिए G1, देखिए G1 के कुल अंक यहां पे आप लिख दीजिएगा, G1 के कुल अंक आगे लिख देंगे क्या, G1 के कुल अंक निकालेंगे, G1 में कितने छात्र हैं, देखिए छात्रों की संख्या 20 है और यहां पे औसत कितना है 50% है, तो यहां पे हम क्या कर देंगे, देख लीजिएगा यहां पे हम 50 का मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो यानी कि G1 के कुल अंक निकल आएंगे 2×5 = 10, यानी कि 0001000 आ जाएंगे। अब ऐसे देखेंगे दोस्तों G2 हम यहां पे लिख देंगे, G2 के कुल अंक निकालेंगे, तो G2 के कुल अंक हमारा यहाँ पे क्या दिया गया, 40 दिया गया है, मल्टीप्लाई यहाँ पे हम 60 कर देंगे, 4×6 = 2400 आ जाएगा, 2400 हो गया। फिर इसी बार हम G3 का निकालेंगे, देख लीजिएगा G3 के कुल अंक निकालेंगे, तो G3 कितना दिया गया है, G3 दिया गया 60, हमने यहाँ पे 60 रख दिए, और यहाँ पे दिया गया 70, तो यहाँ पे हम 70 रख दिए, 6×7 = 42, देख लीजिएगा 4200 आ गया, यहाँ पे हमने रख दिया दोस्तों 4200 आ गया। अब G1, G2 और G3 के कुल अंक निकालेंगे, देखिए इनका पूरा एवरेज हमको पूछा गया है, अब हम लिखेंगे कुल छात्रों का एवरेज, देखिए कुल एवरेज यहाँ पे हमने लिख दिया दोस्तों, फिर यहाँ पे हमारा 4200 हो जाएगा, 4200 हो गया, अपान का दोस्तों करेंगे कितना हो जाएगा हमारा, अपान का यहाँ पे हमने कर दिया छात्र कितने हो जाएंगे, देखिए 20, 40, 60, देखिए यहाँ पे 20+40+60 ऐड करेंगे, देखिए कितना हो जाएगा यहाँ पे आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 1000, यानी कि 24×10 = 34, 34×34 में 4 और जोड़ देंगे 74, 2×4 कितना आ जाएगा हमारा 7600, और 12×5 = 72, देखिए 12×6 = 72 आ जाएगा, 72×4 तो यहाँ पे 12×3 = 36, फिर 12×3 = 36 समथिंग आ जाएगा
63.3% आ जाएगा, समथिंग 63% दोस्तों दे लीजिएगा दिया गया है। हम लोग 29 नंबर देखेंगे और 29 नंबर क्वेश्चन पे देख लीजिएगा, कहा है कि रीना द्वारा 16 परीक्षाओं में प्राप्त अंकों का औसत 26 है, श्रेया द्वारा अब तक प्राप्त अंकों का औसत 24 है, लेकिन उसने अब तक केवल 12 परीक्षाएं दी है, कौन? श्रेया। अब कहा गया रीना के समान प्रदर्शन करने के लिए श्रेया को शेष 4 परीक्षाओं में औसतन कितने अंक प्राप्त करने होंगे, ये बात बतानी है। तो देख लीजिएगा रीना द्वारा 16 परीक्षाओं में अंकों का योग, देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे रीना के 16 परीक्षाओं में अंकों का योग कितना हो जाएगा, 26 मल्टीप्लाई 16। देखिए 26 मल्टीप्लाई जब 16 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा कितना, 416 आ जाएगा। ठीक, हमने 416 रख दिया। श्रेया द्वारा 12 परीक्षाओं में प्राप्त अंकों का औसत, श्रेया द्वारा अब देख लीजिएगा, अब यहाँ पे हम लिख देंगे श्रेया के 12 परीक्षाओं में ये क्या लिखा हमने दोस्तों, परीक्षाओं में यहाँ पे अब अंकों है लिखा है, अंकों, हाँ, श्रेया के 12 परीक्षाओं में अंकों का योग निकालेंगे तो 12 परीक्षाओं का एवरेज कितना दिया गया है, 24 दिया गया है, तो यहाँ पे 12 मल्टीप्लाई 24, 12 6 48 की 8 करी हो जाएगा, 4 2 24 24 24 4 हो जाएगा हमारा 28, 288 आ गया। कितना आ गया दोस्तों हमारा, 288 आ गया। तो अब हमको क्या करना है, हमको ये करना है, यहां से इसने कहा है कि मतलब कह रहा है शेष 4 परीक्षाएं हमारे पास और बचे हैं, तो इन 4 परीक्षाओं में हमको श्रेया को रीना के ही इतने अंक प्राप्त करने के लिए औसत कितना लाना पड़ेगा, तो देख लीजिएगा औसतन कितने अंक प्राप्त करने पड़ेंगे। तो यहां से अगर हम देखें तो इस 416 से 288 को घटा दें तो कितना आ जाएगा, देखिए 416 से जब 288 को आप घटाएंगे तो यहां पे आ जाएगा हमारा 128 आ जाएगा। इस 128 अंक प्राप्त करने के लिए शेष 4 विषयों में श्रेया को कितने, देखिए 4 3 12 4 2 8 औसतन 32 अंक लाने पड़ेंगे, औसत 32 आ जाएगा, 32 देख लीजिएगा दिया गया बी ऑप्शन पे, तो 29 का हमारा विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा, 29 का विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। 29 के बाद हम लोग देखेंगे 30 नंबर, और 30 नंबर क्वेश्चन पे दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है, कहा गया कि एक कक्षा में 9 लड़के एवं कुछ लड़कियां थी, एक परीक्षा में लड़कों को 13 औसत अंक प्राप्त हुए जबकि लड़कियों द्वारा प्राप्त औसत अंक 15 थे, यदि अंकों का कुल औसत इतना हो तो कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो देख लीजिएगा भाई नॉर्मल क्वेश्चन है, यहां से बताया गया है कि भाई यहाँ पे अगर लड़कियों की संख्या कुछ भी मान लीजिएगा, देख लीजिएगा ये तो कह रहा एक कक्षा में 9 लड़के एवं कुछ लड़कियां हैं, लड़कियों की संख्या हमको नहीं बताई गई है, तो यहाँ पे कहा गया है लड़कियों की संख्या, तो यहाँ पे अगर लड़कियों की संख्या आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए माना लड़कियों की संख्या x है, हमने क्या मान लिया, माना लड़की कितनी है, माना लड़की की संख्या x है, हमने क्या मान लिया, लड़कियों की संख्या x मान लिया, तो यहाँ पे अगर देखें तो लड़कों को 13 औसत अंक प्राप्त हुए जबकि लड़कियों को 15 थे और कुल औसत कितना है 14.28, तो कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है, तो कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या हमको ज्ञात करनी है, तो यहां से अगर आप देखेंगे तो भाई क्या हो जाएगा, यहाँ पे 9 लड़के बताया गया है, लड़कों एक कक्षा में 9 लड़के हैं, ठीक है, अगर यहां से आप देखेंगे, पहले बात समझिएगा, चाहे तो इस प्रकार हल कर लें, चाहे तो इस प्रकार हल कर लीजिएगा, देखिए ये हो गया बॉयज, ये हो गया हमारा गर्ल्स, बॉयज का औसत कितना बताया गया है 13, गर्ल्स का औसत कितना बताया गया है 15 हो गया, दोनों का एवरेज कितना है 14.28 रख दिया। अब देख लीजिएगा ये इतना हो जाएगा, अब 15 से हम 14.28 घटाएंगे तो यहां पे देख लीजिएगा ये आ गया 28, तो बचा हमारा कितना, देखिए इधर घटा देंगे तो 28 29 30 70 2 72 बचा हमारा, तो यहाँ पे कितना 0.72 बचा, हमने 0.72 रख लिया, और इधर हमारा देखिए 13 1 14 होता है ना, तो 1.28 हमारा बचेगा, 1.28 रख दिया। अब देख लीजिएगा दोनों के एवरेज अगर निकालेंगे तो देखिए ये पॉइंट और ये पॉइंट हमने कट कर दिया, अब यहां पे देखेंगे तो 9 8 72 और 9 3, तो देखिए 9 से तो हमारा नहीं कटेगा भाई, और किसी संख्या से कट कर दीजिएगा, अब देखिए हम इसको 4 से कट करते हैं,
तो चार एकन्नम चार हो जाएगा, बचा हमारा तीन, तो चार अठे 32 हो जाएगा, अनुपात कर दिया। फिर चार तीन 12, चार दूनी 8, फिर देखिए इसको हम दो से और कट कर देंगे तो दो नहीं 18 और फिर दो एकन्नम दो छंग 12, 9:16 देख लीजिएगा यहाँ पे 9:16 हो जाएगा। अब देख लीजिएगा 9:16 हमारा हो जाएगा। जब हमारा ये 9:16 हो गया तो देखिए यहाँ पे बच्चों की संख्या, बॉयज की संख्या कितनी बताई गई है, 9 लड़के बताया गया है। यहां से देख लीजिएगा ये 9 हमारा रेशियो भी आया, यानी कि 9:9 दिया गया है ना। तो जब 9:9 तो 1:1 हमारा कितना हो जाएगा, यानी कि 1:1 ही आ जाएगा। जब 1:1 आ जाएगा तो कहा विद्यार्थियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, तो कुल संख्या निकालेंगे तो देख लीजिएगा, चाहे तो आप ऐसे कर दीजिए, देखिए यहाँ पे अगर आप लिखना चाहें तो कुल विद्यार्थी क्या लिखेंगे आप यहाँ पे, कुल विद्यार्थी देखिए यहाँ पे लिख दीजिएगा कुल विद्यार्थी, देखिए कुल विद्यार्थी लिखेंगे तो कुल विद्यार्थी हमारा कितना हो जाएगा, देख लीजिएगा 16:9 कितना हो जाएगा, 16 4 20 5 25 हो जाएगा। यहाँ पे 9 + 16 देन हमारा कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। देख लीजिएगा दिया गया बी ऑप्शन पे, तो विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अब आप इस तरीके से मत हल करिए, ठीक है, इसी प्रकार से हल कर लीजिए, क्वेश्चन कहीं ना कहीं जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो 30 का अगर देखेंगे दोस्तों, तो विकल्प नंबर हमारा यहाँ पे बी के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। तो होप से दोस्तों आपको अभी तक मेरे द्वारा बताया गया सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। फिर भी दोस्तों आपको बता दूं, यदि किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउटेड हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, और वीडियो का कोई भी पार्ट दोस्तों थोड़ा सा भी पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबा लीजिएगा, और दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। इन सबका लिंक दोस्तों आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। और दोस्तों आपको बता दूं कि ग्रुप में जुड़ने से आपको ढेरों प्रकार के बेनिफिट मिलेंगे, जैसे कि दोस्तों आपको हर रोज का करंट अफेयर मिलता रहेगा, साथ में दोस्तों आपको हर रोज का करंट अफेयर के साथ साथ एक डेली क्लास नोट्स का एक हल से पीडीएफ मिलता रहेगा। और दोस्तों आपका कोई डाउट एडअप होता है किसी भी सब्जेक्ट में तो अगर आप उसको भेजते हैं तो उसका सोल्यूशन आपको दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपको इसके साथ साथ मैं आपको दोस्तों बता दूं कि यदि अगर आपको कोई भी बुक चाहिए तो उन सभी प्रकार की बुकों को भी आप हमसे फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सारे बेनिफिट हैं दोस्तों आपको हमारे ग्रुप में जुड़ने से। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप लोग हमारे ग्रुप से जरूर जुड़े, इन सब चीजों का बेनिफिट यानी कि लाभ जरूर प्राप्त करें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।